हिमाचल भाजपा में आजकल भूचाल मचा है। एक तो आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस की नाक में दम कर रखा है, दूसरा भाजपा के आंतरिक सर्वे ने बीजेपी नेताओं की धुकधुकी बढ़ा दी है। इन आंतरिक सर्वे में हर विधानसभा में दो दो नामों पर चर्चा है और साथ ही साथ जयराम के स्थान पर अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर भी सर्वे में जोरदार चर्चा हुई। भाजपा के इस सर्वे में भावी प्रत्याशियों की चिंताएं बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि इन तीन सर्वे में सेकेंड लाइन के और कुछ स्वयं सेवियों का नाम शामिल होने से मौजूदा विधायकों और मंत्रियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में चुनाव होने और अनुराग ठाकुर को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अटकलों के बीच जिला कांगड़ा के विधायक व प्रत्याशी अचानक अनुराग नामे का जाप करने लगे हैं। कल तक जो लोग पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर का नाम लेने तक में भी परहेज करते थे, आज अनुराग वाणी का जाप कर रहे हैं। ये बहाना चाहे पार्टी के स्थापना दिवस का हो या फिर मोदी के सहारे चुनावी बैतरणी पार करने की जुगत हो, अनुराग वाणी ही मोदी माया को प्राप्त करने का बीजक मंत्र माना जा रहा है। भले ही अनुराग वाणी अतीत में अछूत थी और अनुराग वाणी का जप करने की सजा नूरपुर के रणबीर सिंह निक्का को उठानी पड़ी, लेकिन सियासी फिजा बदल रही है। सूत्र बताते हैं कि निक्का का निष्कासन अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा है। खबर तो यह भी है कि कैप्टन संजय पराशर भी सुबह सुबह अनुराग वाणी में विश्वास रखते हैं और अच्छा सा दिन देखकर हमीरपुर में शीश भी नवा लेते हैं। 15 विधानसभा क्षेत्रों वाला कांगड़ा इस बार नवरात्रों में क्या नया संकल्प लेकर चलता है, सरकार निर्माण में कांगड़ा की क्या भूमिका रहती है या फिर माइनस कांगड़ा ही सरकार बनाने वालों की हसरतें परवान चढ़ती है। गौरतलब है कि इस बार बीजेपी कांग्रेस में माइनस कांगड़ा ही सरकार बनाने वालों की हसरतें परवान चढ़ रही हैं और दोनों ही मुख्य दलों में कोशिश ये है कि मंडी या हमीरपुर से मुख्यमंत्री बनाकर कांगड़ा को एक बार फिर से हाशिए पर किया जाए।